Hello student, today we are learn about electricity and circuits. We use electricity for many purpose to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from well or from ground level to the rooftop tank. What are other purpose for which you use electricity? List some of them in your notebook. Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. मतलब जब sunset हो जाता है, ठीक है, सूरज जब ढल जाता है तो हम कैसे काम कर सकते हैं? तो हम light के थ्रू काम करते हैं. Light कैसे आती है? Electricity से. A power station provides us the electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be able to at some place. In such a situation, a torch is sometimes used for providing light. तब हम क्या use करते हैं? Torch का. A torch has the bulb that light up when it is switched on. जब उसका switch on होता है तब वो light देता है. Where does the torch get electricity from? वो कहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? तो वो हम देखते हैं. इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस. इन सब में किसका यूज होता है? इलेक्ट्रिक सेल का. हैव यू एवर केयरफुली लुक एट द इलेक्ट्रिक सेल? You might have noticed that it has a small metal cap on the side, on one side, and a metal disc on the other side. एक साइड में क्या होता है? उसमें मेटल की कैप होती है और दूसरे साइड डिस्क होती है. Did you notice a positive sign and a negative sign mark on the electric cell? उस पर मार्क रहता है, ठीक है. The metal cap is positive terminal of the electric cell. वो क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल होती है. द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल. ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट. उसमें क्या होता है? केमिकल स्टोर होता है, उससे वो उसे एनर्जी यानी फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric shield stops. तब क्या होता है? जब वो कभी कभी हम बोलते हैं सेल खत्म हो गया. कैसे होता है? जो उसका केमिकल होता है वो यूज्ड हो जाता है, तब वो क्या होता है? खराब हो जाता है. इस तरीके से टॉर्च का बल्ब जो है वो जलता है. प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन. जब वो खराब हो जाता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं. अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस. वॉट इज इनसाइड अ ग्लास केस ऑफ अ बल्ब? बल्ब के अंदर क्या होता है? तो ये दी हुई है, देखो आपको पिक्चर दी है. फिलामेंट होता है और टर्मिनल्स होते हैं. एक्टिविटी. टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. वॉट डू यू नोटिस? डू यू फाइंड द थीन वायर फिक्स्ड एट द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? नाउ स्विच द टॉर्च ऑन द ऑब्जर्वेशन विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. The thin wire that give off light is called the filament. उसे हम क्या कहते हैं? Filament कहते हैं. जैसे कि ये दिया हुआ है, ये thin wire है, ये हमें light provide करता है. The filament is fixed at two thicker wires which also provide support to it as shown in figure. On one of this thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. The two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. मतलब एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए. The electric bulb used at home also have a similar design. उसका भी ये हमारे जो घर में जो बल्ब होता है उसका भी सिमिलर डिजाइन होता है. Thus both the electric cell and the bulb have two terminal each. उसमें two terminals होते हैं. Why do they have this two terminals? उनके पास two terminals क्यों होता है? ये तो इसके आगे वाले पॉइंट में सीखेंगे. उसके पहले हमें क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया है? Never join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. If you do so, the chemicals
इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। अगर एक ही टर्मिनल जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस अगर हमने ज्वाइंट कर दिया दोनों सेल का, ठीक है, उसमें बिना डिवाइस को लगाए, तो क्या होगा, जो उसके अंदर का जो सेल के अंदर का केमिकल होता है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और सेल जो है वो हमारा यूज वाला नहीं रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग अ इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट? एक्टिविटी उसके लिए हमें करनी है, टेक फोर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स, रिमूव अ लिटल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड। मतलब अलग अलग कलर के वायर लेने और उसमें से वो जो प्लास्टिक कवर होता है उसे हटा देना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ द ईच लेंथ। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ द वायर टू द सेल एंड द बल्ब इज शोन इन फिगर। इस तरीके से सेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल विद टू वायर अटैच टू इट। और इस तरीके से बल्ब में किया, दोनों में कर दिया कनेक्ट। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप यूजिंग बाय इलेक्ट्रिशियंस। यूज रबर बैंड और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन सिक्स डिफरेंट वेज एज हैज बीन शोन इन द फिगर। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। इस तरीके से अलग अलग तरीके से करना है, ठीक है। तो पहले दोनों को मैच किया, बल्ब जल रहा है, फिर दूसरी बार जब मैच किया, एक को ज्वाइंट किया एक को नहीं किया है तो भी बल्ब नहीं जल रहा। फिर नीचे वाले में देखो, थर्ड सी में, उसमें भी एक में ज्वाइंट किया एक में नहीं किया है तो भी बल्ब नहीं जल रहा, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है तो क्या किया, उसका जो बल्ब का जो वायर है उसको दोनों को एक ही साइड में सेल में कनेक्ट कर दिया तो भी ग्लो नहीं कर रहा है। फिर क्या किया है, जो बल्ब का वायर है उसको दोनों को एक ही साइड सेल में दूसरे में भी कनेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ तो भी नहीं होगा ग्लो। फिर क्या किया है, दोनों को ऊपर नीचे फिक्स किया है सही तरीके से बर घुमा करके तो उसमें वो ग्लो कर रहा है। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इफ योर इन योर नोटबुक। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लो। कंपेयर दिस विद दोस इन सच इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस? फाइंड कर सकते हैं। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर द टर्मिनल वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट। इन ए, मूव द पेंसिल अलॉन्ग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। नाउ फॉर्म द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब। मूव अलॉन्ग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट इन फिगर। जो दिए हैं वो, डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। फिर नेक्स्ट दिया है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में क्या दिया है तो हम देखें, इन एक्टिविटी टू यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फॉर्म द इलेक्ट्रिक बल्ब। Note that in the arrangement shown in figure, the two terminals of the electric cell were connected to the terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. The electric circuit provide a complete path for electricity to pass between the two terminal of the electric cell. The bulb glow only when current flow through the circuit. अगर उसमें current flow कर रहा है, positive, negative मैच हो रहे हैं तभी उसमें बल्ब जो है वो ग्लो करता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू द टू बी फॉर्म द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से बनाते तो ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर द करंट पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। दिस मेक द बल्ब ग्लो। इस वजह से बल्ब जो है वो ग्लो करता है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल, ठीक है, कभी नहीं जलता। क्यों? दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड। अगर बल्ब जो है वो फ्यूज्ड है तो भी वो ग्लो नहीं करेगा। लुक एट अ फ्यूज्ड बल्ब केयरफुल्ली। इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट? मतलब जो उसके अंदर फिलामेंट होता है वो सही है या नहीं? An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for a bulb to fuse is a break in its filament. उसका filament अगर टूट गया है तो वो fuse है।
A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current. अगर फिलामेंट में ब्रेक है तो जो उसके करंट पास होता है उसका पाथ है वो भी जो है ब्रेक हो गया है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. Therefore, a fused bulb does not light up as no current pass through its filament. और इसलिए fused bulb जो है वो नहीं जल पाते हैं. Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure? Now we know how to make a bulb light up using an electric shell. Would you like to make a torch for yourself? बनाना तो पसंद ही करेंगे. इलेक्ट्रिक एक्टिविटी 3 में देखते हैं क्या है. टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर. रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर. रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर. फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विथ अ रबर बैंड. ठीक है, जैसे हमने आगे किया था. Now bring the tip of the base of the bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminal of the इस तरीके से करना है cell. Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? In this knot, similar to what you do when you switch your torch on or ऑफ. हम ऑन और ऑफ करते हैं तब ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट यह है इलेक्ट्रिक स्विच. वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचेस ऑन और ऑफ अवर होम मेड टॉर्च बाई मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल. उसको अलग करेंगे फिर ज्वाइन करेंगे. दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज. वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन अवर सर्किट. तो कौन सी स्विच बना सकते हैं. एक्टिविटी दी है, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्रॉइंग पिन और सेफ्टी पिन और अ पेपर पिन, टू वायर एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकॉल और अ वुडन कार्डबोर्ड. इंसर्ट अ ड्रॉइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकॉल शीट एज शोन इन फिगर. मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी rotated freely. Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can be touch it. The safety pin fixed in this way should be your switch is in this activities. तो ये स्विच बन जाएगी. इस तरीके से फिक्स कर दिया, अब वो सेफ्टी पिन को रिमूव, जैसे टच करेंगे तो ऑन होगा और हटाएंगे तो ऑफ हो जाएगा. ठीक है, ओके. ये इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार है. इसमें से सेल को ज्वाइन किया, लाइट को ज्वाइन किया, पिन को हम टच करेंगे तो वो ऑन होगी और हटाएंगे तो ऑफ होगी लाइट. नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर. रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्रॉइंग पिन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे. डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो? द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन विद द यू मेड द टॉर्च टू ऑफ देम. इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेड टू बी ऑन सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास. वो उसे पास करने दे रहे थ्रू इट. द सर्किट वॉज कम्प्लीट, हैंस द बल्ब ग्लो. तब वो ग्लो करेगा. ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो वैन द सेफ्टी पिन वॉज नॉट इन टच विद द अदर ड्रॉइंग पिन. वो टच में नहीं रहेगी तो वो नहीं ग्लो करेगा. द सर्किट वॉज नॉट कम्प्लीट एज देयर वॉज अ गैप बिटवीन द टू ड्रॉइंग पिन. ये आपको एक छोटा सा दिया है. बूझो हैज ड्रॉवन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च एज इन फिगर. उसने टॉर्च में किस तरीके से रहता है ड्रॉ वो किया हुआ है. ठीक है, इन साइड व्यू ऑफ अ टॉर्च. उसमें दो सेल लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, फिर स्लाइड स्विच है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं वो है, रिफ्लेक्टर्स हैं, प्लास्टिक केजिंग है और बल्ब है. This position the switch is said to be off. A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. The switches used in light of electric bulb and the other device in home work on the same principle through their design and more complex. ठीक है, इस तरीके से वो काम करते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट क्या है. इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स.
वो इलेक्ट्रिक के कंडक्टर से या इंसुलेटर से वो इन ऑल अवर एक्टिविटी वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक अ सर्किट. सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट. डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? तो क्या बल्ब जलेगा? अगर हम मेटल वायर के बदले थ्रेड यूज करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा. व्हाट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम? लेट अस फाइंड आउट. डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी. दिस वुड लीव यू विद टू फ्री एंड ऑफ वायर एज शोन. ठीक है, वायर की जगह पर अब इसमें क्या लगाया, वायर हटा दिया है. फिर क्या, ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द टू वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर. डज द बल्ब लाइट अप? यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउ करंट टू पास थ्रू इट्स और नॉट. तो इसमें क्या लगाया है, देखो, टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लो व्हेन द टेस्टर इज कनेक्टेड विद द की. की के साथ कनेक्ट किया है. कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइंस. पहले कॉइंस लगाना है, फिर कोर, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लीड, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, शेविंग नीडल, थर्मोकॉल पेपर एंड पेंसिल लीड. ये सारी चीज़ें लगा के देखनी. वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विद टू एंड्स ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड. मेक श्योर दैट टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल यू आर डूइंग सो. डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस? मतलब दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहे हैं वो. मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. कब बल्ब ग्लो कर रहा है कब नहीं, वो आपको रिकॉर्ड करना है. वॉट डू यू फाइंड? द बल्ब डज नॉट ग्लो वैन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर इन कॉन्टेक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल्स यू हैव टेस्टेड. दिस मीन्स दैट दिस मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. ठीक है, उसे अलाउ नहीं कर रहे. ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम विच इज इंडिकेट बाय द ग्लोइंग बल्ब. मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक. जो उसे पास करने देते उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स. और इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम. जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक के इंसुलेटर. नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर्स एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज विच आर इंसुलेटर्स. वॉट डू यू कंक्लूड? विच मटेरियल आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स? रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4. जो चैप्टर 4 में हमने किया था ग्रुपिंग में. आर दे द कंडक्टर्स? इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज टू मेकिंग वायर्स. और इसलिए हम किस लिए बनाते हैं वायर, तो ये है रीज़न मेटल्स का वायर बनाने का. लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ अ स्विच. वेन द स्विच वॉज इन द ओपन पोजिशन वेयर द टू ड्रॉइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू द थर्मोकॉल शीट बट थर्मोकॉल यू मे हैव फाउंड इन एन इंसुलेटर. वॉट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप? बिटवीन द गैप के बीच में जो एयर होती है वो क्या है? सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो वैन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स इन योर स्विच. इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर. अगर दो स्विच के मतलब वायर के बीच में एयर है, कुछ नहीं है, तो भी जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. मतलब एयर जो है वो भी इंसुलेटर है. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस. स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स. ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विच पीपल माइट टच. ठीक है, अब इसमें क्या दिया क्वेश्चंस में, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है. देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं वो इलेक्ट्रिक के कंडक्टर्स हैं, ना कि इंसुलेटर्स हैं. ओके, थैंक यू.